गुड इवनिंग एवरीवन ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक गुड इवनिंग एवरी वन ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक और राइट सो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभी हमने क्लासेस स्टार्ट की ही थी कि प्रोटेस्ट का टाइम स्टार्ट हो गया उस चक्कर में हमें क्लासेस फिर से रोकनी पड़ी इस बीच आपने काफ़ी प्रोटेस्ट किया आपने इंटरनेट शट डाउन देखा बंद ऑर्गेनाइज हुए तो ये सारा भी क्योस चल रहा था इस चक्कर में हमने क्लासेस को बंद कर रखा था ताकि आप रिलैक्स होकर डिसीजंस ले पाओ रिलैक्स होकर प्रॉपरली प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएँ ठीक है चलो जी <coughs> तो वापस से अब आपके चूंकि मसले रिजोल्व हो रहे हैं तो वापस से पढ़ाई की तरफ आते हैं क्योंकि देखो आ, अब ज़रूरी यह है कि अपने जितने भी आपको नॉलेज थी है ना जितनी भी आपकी प्रैक्टिस थी उसको फिर से रैप अप करो अभी इतने दिन में गैप होने की वजह से चीज़ें स्कैटर uh, होने लगी फैलने लगी उधर उधर तो बहुत जरूरी है कि इन सारी चीज़ों को अब एक जगह करो मार तो बागन जी थोड़ी बहुत खानी पड़ती है प्रोटेस्ट में चलिए जी तो उम्मीद है आप सब लोग सेफ होंगे ठीक है तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं आ, पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे उसके बाद आज के क्वेश्चंस करेंगे आज नवंबर का हम फाइनल कर देंगे नवंबर का जितने भी क्वेश्चन है आज कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जी इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी इसका आंसर क्या होगा विच ऑफ़ द फॉइइंग स्टेट्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड द पीसा एक्ट अभी रिसेंटली पीसा एक्ट इम्प्लीमेंट करा है किसी स्टेट ने करा Pradesh, है करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए यू टी एस एंड ऑन मोबाइल ऐप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज़ एन इनिशिएटिव बाई विच ऑफ़ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज यूटीएस अनरिजर्व्ड टिकट सर्विस ठीक है तो नाम से समझ गए हो गया आप कौन सी मिनिस्ट्री है ये है रेलवे मिनिस्ट्री यू किसका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री इसका आंसर दीजिए रिसेंटली ऑफिशियल वेबसाइट एंड थीम ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री इसका आंसर बताइए ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे टोटल क्वेश्चन नंबर 95 फाइव तक पिछली क्लास में हो गया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे बट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पिछली क्लास में डिस्कस हुआ है अच्छा ये जितना भी अभी आपका नवंबर तक का पीडीएफ है तो आपकी जो क्लास है ये वीडियो में आप देखना डिस्क्रिप्शन में देखना एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का ठीक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो नवंबर तक का पीडीएफ अपलोड है ये ये जो नवंबर है 2022 का यहाँ तक के पीडीएफ डी उसमें अपलोड मिलेगी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग कल दिसंबर स्टार्ट कर देंगे तो इसका आंसर बताइए देखो एस और मैंने पिछली क्लास में बताया था एस और जी इन दोनों की दो दो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की प्रेसिडेंसी किसके पास है इंडिया के पास है ठीक है तो करेक्ट आंसर इज़ इंडिया तो ये था क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव लक्षित दिवस से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है तो लक्षित दिवस आपका कहाँ पर हो रहा है ये आसाम में तो ये टोटल नाइन्टी फाइव क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चन तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स रिसेंटली द थर्टींथ एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ नसीम अल बहर ठीक है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच ऑर्गेनाइज़ की गई थी यूएई सऊदी अरेबिया ओमान या इराक बताइए जनाब करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ जी सर <coughs> थर्टीन एडिशन ऑफ बाइलेक्ट्रिकल नेवल एक्सरसाइज बी डी बी और डी में डाउट है तो नसीम अल बहर करेक्ट आंसर इज ओमान ठीक है ओमान के साथ ही हमने एक्सरसाइज करी अभी नसीम अल बहर बहुत ज़्यादा डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस एक्सरसाइज का नाम और किस कंट्री के साथ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं इतना ध्यान रख लो ठीक है बहुत ध्यान रखना तो ये रख लो इंडिया की तरफ से कौन सी बिंग थी नेवी थी है ना इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज हुई है 1993 में पहली एक्सरसाइज हुई थी इस साल टोटल थर्टी ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज को तो थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है

क्योंकि जितनी भी ट्राइबल की स्कीम्स हैं ना अगर किसी भी ट्राइब को रिकॉग्नाइज करना है उसको स्टेटस देना है सिक्स शेड्यूल में है ना या फिर आ, कोई भी ट्राइबल स्कीम है तो वो किसके थ्रू होके जाती है वो सारा काम आपका ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू होके जाता है तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर अर्जुन मुंडा इज़ द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है तो उन्होंने कुछ आर्करी एकेडमीज खोलने की बात की आर्करी एकेडमीज का पर्पस क्या होगा पर्पस ये होगा कि जो ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं उनमें आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी बढ़ाएं क्रिएटिविटी बढ़ाएं और उनका जो टैलेंट है वो हम शो डिस्प्ले कर पाएं दुनिया को ठीक है तो कितनी एकेडमीज ओपन हो रही हैं हंड्रेड अकेडमीज ओपन करने का प्लान है ठीक है टू तो सेट अप हंड्रेड आर्करी एकेडमीज टू तो प्रमोट टैलेंट ठीक है तो उनकी जो आर्करी स्किल्स है आर्करी का मतलब समझते हो आप आर्करी का मतलब होता है जो तीरंदाजी होता है बो एंड एरो वाली जो आर्करी है उसकी बात हो रही है ठीक है इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में एक और स्कीम बहुत फेमस है जो आपको पता होनी चाहिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में क्या होगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको प्रॉपर एक स्कूल में एनरोल कराया जाएगा और वो स्कूल रेजिडेंशियल होंगे ठीक है वो वहाँ पर रहेंगे ठीक है रहने के साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन भी गेन करेंगे तो एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये एस सी एस टी पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया है ठीक है और एक और स्कीम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना तो ये सारी कुछ योजनाएं हैं कुछ स्कीम्स हैं उसके नाम ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंस नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इट एम्स टू अचीव रिडक्शन इन सुसाइड मोर्टैलिटी बाई हाउ मच परसेंटेज बाय टू देखो अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है इकोनॉमी डाउन चल रही है और वैसे भी अगर रिसेशन नहीं भी होता है कैपिटलाइजेशन जब बढ़ता है तो लोगों के अंदर एक स्ट्रेस बढ़ता है तो जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो लोग किधर जाते हैं सुसाइड की तरफ जाते हैं तो भारत सरकार एक स्ट्रैटेजी लेके आई है सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी तो सरकार का परपज है कि सुसाइड से जो होने वाली मौतें हैं तो उसको क्या करना है कम करना है टू तक का सरकार का टारगेट है कि परसेंटेज कम करना है तो क्वेश्चन ये है कि सरकार ने 2030 तक कितना टारगेट लिया है कितना परसेंटेज कम करेंगे बगान जी ने तो कह रही है सर पंद्रह परसेंट पंद्रह टका कम कर देंगे बाकी लोगों का क्या कहना है अभी लग रहा है लोग प्रोटेस्ट के नशे से बाहर नहीं आए हैं अभी आज सोलह ही लोग लाइव आए हैं पिछली क्लास में तो इससे ज्यादा थे जबकि वो क्लास पहली थी देखो प्रोटेस्ट है डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए प्रोटेस्ट भी एक एजेंशियल पार्ट है लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए आपकी एजुकेशन भी ज़रूरी है तो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें है ना आपको ऐसा लगता होगा कि हमें बहुत कुछ आता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं हम बहुत टैलेंटेड हैं कोई भी आपकी स्किल कोई भी टैलेंट तब तक अधूरा रहता है जब तक तो आपके पास नॉलेज ना हो कितने भी आप टैलेंटेड हों नॉलेज उसको एड ऑन ही करेगी कम नहीं करेगी ठीक है तो पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दें अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे चलो जी तो कितने परसेंटेज तक कम करा जाएगा दो ही लोगों का आंसर आया है बाकी लोग क्या कर रहे हैं देखिए ऑडियंस ना बने पार्टिसिपेंट बने ये नहीं कि नहीं मैं तो देखूंगा कितने कमेंट आ रहे हैं स्टेटहुड डे तो गामी जी हो गया ना ट्वेंटी फरवरी को ट्वेंटी कितना है करेक्ट आंसर देखो टेन परसेंट सर टारगेट ठीक है पंद्रह परसेंट ज़्यादा हो गया सर अभी अभी कितना है सात साल ही तो रह गए टू थाउजेंड थर्टी आने में कैसे करेंगे तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी सरकार लाई है तो प्रॉपर एक उसका तरीका बनेगा अगले पाँच साल में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कम करने की कोशिश की जाएगी ठीक है पूरा करिकुलम बनाया जाएगा मेंटल वेल्बिंग करिकुलम बनाया जाएगा जिससे लोगों को सुसाइड से बचाया जाएगा अब कुछ बात कर लेते हैं सुसाइड के डेटा की कि कितनी सुसाइड्स इंडिया में होती हैं तो ये डेटा आपका बाई प्रोफेशन सुसाइड बताता है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड किस प्रोफेशन के लोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आप सुसाइड देखोगे तो वो करते हैं डेली वेज अर्नर और आप समझ भी सकते हो इनकी दिक्कत कि जो रोज का कमाने वाला है वो इतना सेव नहीं कर पाता है कि वो बड़े खर्चे हैंडल कर पाए तो कभी मान लो डेली वेज जर्नर के लिए कोई बड़ा खर्चा आ गया लाइक कोई बीमारी का आ गया या फिर मान लो वो किसी दिन कमाई पैसा कमाने नहीं जा पाया तो इन दैट केस उसको सुसाइड ही सूझता है तो वो स्ट्रेस में आके क्या करेगा बेचारा सुसाइड करेगा तो डेली वेज जर्नर इसमें सबसे आगे खास तौर से अब आप देख सकते हो जो कोरोना uh, का टाइम था 2020 2021 ठीक है तो ये टाइम ऐसा था पैंडमिक का टाइम था तो पेंडेमिक के टाइम में तो डेली वेज अर्नर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का टाइम था तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको परसेंटेज दिखेगा सुसाइड में देख सकते हो आप कितना है टू में तो इनफैक्ट ट्वेंटी यानी जितनी भी सुसाइड्स हुई हैं आउट ऑफ ऑल द सुसाइड्स 25 फाइव परसेंट किन कितने किन्ों हैं जो डेली वेज अर्नर थे ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है ठीक है फिर उसके बाद अदर पर्सन के बाद देखो हाउस वाइफ का है ठीक है हाउस वाइफ कह सकते हो आप जो लोगों को uh, दुल्हनों को घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका शिकार होती है फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं फिर सैलरीड पर्सन हैं फिर स्टूडेंट्स भी एक बड़ा सेक्टर है ठीक है 2021 में आठ परसेंट फिर दो uh, 2021 में आठ परसेंट शेयर है स्टूडेंट्स का जिन्होंने सुइसाइड किए तो ये सारा एक डेटा है एक थोड़ा सा आइडिया रखना आइडिया ये रखना कि सबसे ज्यादा सुइसाइड इंडिया में कौन कर रहा है जो डेली वेज अर्नर है तो गवर्नमेंट को सिर्फ उनका मेंटल well वेलबींग नहीं करन, काम करना है गवर्नमेंट को डेली वेज अर्नर के लिए इसका मतलब पॉलिसीज भी इम्प्रूव करनी है तो उससे भी आपका सुसाइड प्रिवेंशन होगा ठीक है चलिए जी तो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बाकी ये पूरा आपको पीडीएफ अवेलेबल है ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप जितना भी ये सारा कंटेंट है ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा एक बार आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं ठीक है सर बढ़े आगे तेरा क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी संगाई इनाग्रेटेड दू था ट्वेंटी फॉलोइंग स्टेट्स बताइए संगाई फेस्टिवल किस स्टेट में हो रहा है मिजोरम मेघालय मणिपुर या नागालैंड करेक्ट आंसर क्या होगा <coughs> हाँ जी सर करेक्ट आंसर बताइए ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता होगा ये तो अपने नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है संगाई फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है करेक्ट आंसर इज मणिपुर ठीक है मणिपुर ये एक एनिमल के नाम पर एक संगाई नाम का एनिमल है वहां का स्टेट एनिमल है मणिपुर का उसके नाम पर यह फेस्टिवल बन रहा है ठीक है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बस इतना ध्यान रखना कि संगाई फेस्टिवल कहाँ का है मणिपुर का है अब इससे ये भी पता चल गया कि संगाई इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर ठीक है सर संगाई इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर

हाँ जी तो ये उस तरह का क्वेश्चन है खाता खोलने वाला क्वेश्चन जिसके अभी तक सवाल सही नहीं हुए होंगे तो उसके लिए खा, आ, खाता खोलने वाला क्वेश्चन है कि ये तो सर मैं बता ही दूंगा या बता ही दूंगी मेरे को तो सर इसका आंसर पता है फीफा तो सर हम देखते ही देखते हैं हाँ जी सर फिर भी ये क्या तीन ही लोग आंसर दे रहे हैं अरे भैया बाकी लोग कहाँ हैं हाँ जी सर बाकी लोग कहाँ हैं चलो जी आंसर आ रहे हैं और करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकर जी ठीक है तो इंडिया की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप में ऑफिशियली रिप्रेजेंट किसने करा श्री जगदीप धनकर जी ने अब देखो आपके एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं कभी कभी पूछ रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप टू थाउजेंड कहाँ पर अरेंज हुआ था ऑर्गेनाइज हुआ था ध्यान रखना कतर में कतर में और कतर की कैपिटल क्या है कतर की कैपिटल भैया ध्यान रखना दोहा ठीक है कतर की कैपिटल है दोहा चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन जीरो मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रांस इंडोनेशिया सिंगापुर या फिर यूके रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बताइए जनाब ये एक्स का मतलब वो वाला एक्स मत समझना ये वो वाला एक्स नहीं है ये एक्स फॉर एक्सरसाइज है ठीक है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड शक्ति 2022 इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है अरे सर सर हमारा तो सर वहां भी एक्स ही चल रहा है अब कुछ लोग एक्स के नाम से भावुक हो जाते हैं कोई नहीं सर ये एक्सरसाइज की बात हो रही है ठीक है गरुद शक्ति किसके साथ हो रही है इंडोनेशिया के साथ हो रही है, है. ध्यान रखना ठीक है एक्सरसाइज गरुद किसके साथ है फ्रांस के साथ नहीं है किसके साथ है सर इंडोनेशिया के साथ है right. चलो जी और राइट चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू

तो जो इंडियन ओशियन के बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनका ये ग्रुप है ताकि इंडियन ओशियन में शांति बनी रहे ट्रेड वगैरह सब सिक्योरिटी वगैरह सब पीसफुली काम चलता रहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी जब भी न्यूज़ में आया है डिस्कस किया है क्वेश्चन ये है कि इसकी अभी ट्वेंटी सेकेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी तो वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी बांग्लादेश इंडिया सोमालिया मालदीव्स हाँ जी सर आंसर आप लोग लेट कर रहे हैं या फिर आप तक कमेंट लेट पहुंच रहा है अभी तो चेलसा जी का आंसर आया है बांग्लादेश चलो गामी जी का भी आंसर आ गया बांग्लादेश यांगचिन जी भी कह रहे हैं बांग्लादेश तो यहाँ पर चलो बागान दिरी जी भी कह रहे हैं बांग्लादेश तो यूनैनिमसली सबका आंसर बांग्लादेश है करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश ठीक है तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई है बांग्लादेश में हुई है तो इंडियन ओशन से जुड़े हुए कंट्रीज का ये पूरा ग्रुप है आप देख सकते हो ये सारी कंट्रीज ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं ठीक है है जो ब्लू वाली ना ये सब इसकी सब तो ब्लू वाली कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम हैव प्रोवाइडेड टू एनिमल्स देखो एक प्रिवेंशन ऑफ क्रोलिटी टू एनिमल ये एक कानून है इसमें एक अमेंडमेंट के लिए ड्राफ्ट आया है ठीक है इसमें कुछ चेंजेस के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है ड्राफ्ट मतलब अभी वो फाइनल अमेंडमेंट हुआ नहीं है वो अभी बस चर्चा में तो उसका एक तैयार हुआ है ड्राफ्ट तो उस ड्राफ्ट में एनिमल्स को कुछ फ्रीडम्स दी गई तो कितने तरीके की फ्रीडम्स दी गई हैं इस अमेंडमेंट में क्वेश्चन है कल अमेंडमेंट जब पास हो जाएगा तो आप कहोगे ऑफ टू एनिमल अमेंडमेंट एक्ट अभी चुकी ये पास नहीं हुआ है तो क्या कहला रहा है बिल कहला रहा है तो सवाल ये है कि एनिमल्स को कितने तरह की फ्रीडम्स दी गई है अच्छा नेट आज डाउन चल रहा है ये बात है चार पाँच छ सात दिरी जी का आंसर है पांच बाकी लोग बताइए तब तक मैं पानी पी लू चलो पांच छ चार सात भी नहीं बोला किसी ने सात रह गया सर ऐसा क्यों चलो करेक्ट आंसर इज फाइव कितनी फ्रीडम्स हैं पांच फ्रीडम्स हैं अमेंडमेंट्स क्या है अमेंडमेंट्स ये हैं कि बेस्ट बिस, बेस्टियालिटी को क्राइम घोषित कर दिया गया ठीक है बेस्टियालिटी का मतलब एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल तो बेस्टियलिटी को क्राइम बना दिया है कोई क्रुएलिटी करेगा तो उसके लिए सज़ा है मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड का फाइन है एनिमल को मारने की पनिशमेंट है उसके अलावा ये पांच फ्रीडम्स हैं ये पांच एनिमल्स को फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट हंगर एंड माल ठीक है फ्रीडम फ्रॉम डिसकम्फर्ट ड्यू टू इन्वायरमेंट यानी अगर आपके पास कोई जानवर है तो आप उसे भूखा प्यासा या फिर खान न्यूट्रिशन की कमी नहीं रखोगे ठीक है ये उसका आज़ादी है ये उसका अधिकार है कि आपको ये उसे प्रोवाइड करना ही करना है जैसे आपके पास फ्रीडम है ना ये समझो जैसे हम हमारे पास फ्रीडम है आ, कि आ, फ्रीडम जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी है कि सरकार ये हमारी प्रिवेसी प्रोटेक्ट की जाए तो ये कौन प्रोटेक्ट करेगा सरकार करेगी इसी तरह से अगर इनकी फ्रीडम है तो इसे कौन फ्रीडम मेंटेन करेगा इंसानों को करना है जो उन जानवरों के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई जानवर पालता है तो धूप प्यास और न्यूट्रिशन का ध्यान रखो इन्वायरमेंट से उसे डिस्कम्फर्ट ना हो रहा हो ऐसा तो नहीं आपने बिल्कुल भरी धूप में किसी जानवर को बांध दिया हो बेचारा उस धूप से परेशान हो रहा हो या बारिश में आपने बिना शेड के उस जानवर को छोड़ दिया तो वो परेशान हो रहा हो तो उससे आपको बचाना है डिस्कम्फर्ट से फ्रीडम फ्रॉम पेन इंजरी एंड डिसीजेज उसकी डिसीजेज़ का ध्यान रखो चोट लग गई या उसे दर्द हो रहा है ये सारी चीज़ें देखो फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीशीज अगर वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उसे करने दो ये नहीं ज़बरदस्ती में थपड़िया दिया उसे है ना ऐसा नहीं करो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस उसको टेंशन नहीं दोगे उसको डराओगे नहीं ठीक है ये नहीं कि डंडा लेके हमेशा वो सामने खड़े कि मार देंगे मार देंगे बेचारे को डरा रहे हो ये सब नहीं करोगे तो ये पांच फ्रीडम एनिमल्स को दी गई है बस पांच फ्रीडम्स दी गई है इतना ध्यान रखो ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट की तरह इसको याद करने बैठ जाओ ठीक है किसी किसी के घर के बाहर ये बिलकुल चिपका देना पड़ेगा बिल्कुल ये ड्राफ्ट ले जाना कह देना सेक्शन थ्री ए फ्रीडम टू एनिमल्स ये पूरा ऐसी स्क्रीन शॉट लेके चिपका देना घर के बाहर ठीक है और सिर्फ इतना मत चिपकाना इसके बाद इस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट भी लिखी होगी कि अगर ये नहीं करोगे तो पनिशमेंट क्या है तो पनिशमेंट जरूर चिपकाना क्योंकि आदमी पनिशमेंट से ही तो डरता है तो पनिशमेंट भी चिपका देना ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर रिसेंटली यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफ डी ए हैज़ अप्रूव्ड the फर्स्ट जीन देरेपी ड्रग्स इट्रानेकोजीन डेजा पार्वोविक हेमजेनिक्स ठीक है ये लंबा सा नाम है शॉर्ट में हेमजेनिक्स कहते हैं तो अभी जो यूएस का एफडीए है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक ड्रग को अप्रूव किया है ठीक है हेमजेनिक्स उसे प्यार से कहते हैं उसका कॉमन नेम हेमजेनिक्स है तो वो किस डिसीज़ के लिए हेमोफीलिया के लिए है टाइप वन डाइबिटीज़ के लिए है लिम्फेटिक फिलेरियासिस के लिए है डेंगू के लिए तो ये हेमजेनिक्स किसके लिए है करेक्ट आंसर बताइए पचास हजार चिल्सा जी मिनिमम है बाकी डिपेंड करता है कि कितना ग्रूसम आप क्रिटी कर रहे हैं कर रहा है कोई पर्सन उसके अकॉर्डिंग उसे फाइन देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि पचास फिफ्टी थाउजेंड लिखा है तो फिफ्टी थाउजेंड ही है ये तो मिनिमम है ये मतलब थप्पड़ भी मार दिया तो वो भी क्रोल्टी में आ गया ना तो उसी थप्पड़ मारने पर फिफ्टी थाउजेंड देना पड़ जाएगा हाँ जी ए बी e, क्या मतलब ए बी ए बी चल रहा है तो कुछ लोगों को आंसर लग रहा है हीमोफीलिया कुछ लोगों को लग रहा है टाइप वन डायबिटीज़ और करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया ठीक है तो ये जो हेमजेनिक्स ड्रग है तो हेम से याद रखना हीमोफीलिया तो ये किसके लिए है हीमोफीलिया के लिए है. हीमोफीलिया क्या होता है हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड क्लॉट की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है यानी जनरली आपने देखा होगा जैसे मान लो ये आपका हाथ है ये नहीं नहीं ये तो हाथ नहीं लग रहा है ऐसे मान लो मतलब मान लो ये थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग बुरी है ना ये मान लो आपका हाथ है ये पैर बन गया है जो भी हाथ पैर है इसमें ज़रा सी भी चोट लग जाए तो आपने देखा होगा खून निकलता है थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है ना ब्लड क्लॉट होता है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी खून यहाँ पे जम जाता है फिर बाहर खून बहता नहीं रहता है अपने आप थोड़ी देर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड क्लोटिंग नहीं होती उनका खून बेहतर रहता है तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हीमोफीलिया है ऐसे पर्सन को क्या है हीमोफीलिया है अ माइनर इंजरी कैन कॉज सीवियर ब्लडिंग तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग की एबिलिटी नहीं है तो आपको कितना खतरा है ठीक है तो इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए आ, ये दवा काम आएगी तो दो तरह के होते हैं एक होते हीमोफीलिया ए एक होता है हीमोफीलिया बी ठीक है तो क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक होता है फैक्टर एट एक होता है फैक्टर नाइन अगर फैक्टर एट की कमी से आपको हीमोफीलिया है तो वो कहलाएगा हीमोफीलिया ए और अगर फैक्टर नाइन की कमी से हीमोफीलिया है तो वो कहलाएगा हीमोफीलिया बी बहरहाल इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है बस एक बार सुन लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है काफी है ध्यान क्या रहना चाहिए हीमोफीलिया क्या होता है और हेमजेनिक्स किसका ड्रग है हीमोफीलिया का ड्रग है तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है ठीक है सर इज दैट क्लियर और नॉट यहां तक सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गिव मी थम्स अप यहाँ तक चीजें अगर क्लियर हैं तो प्लीज गिव अ थम्स जी सर यहां तक अगर चीजें समझ में आ रही हैं प्लीज गिव थम्स अप क्लियर है ओके चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव रिसेंटली शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा वॉज लॉन्च्ड एट द कॉप ट्वेंटी सेवन इस करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग में कॉप ट्वेंटी सेवन जो इजिप्ट में हुआ है शर्मल शेख में तो उसके बारे में हमने काफी बात ऑलरेडी कर चुके तो आ, सवाल सिंपल इतना ही है कितने गोल्स आउटलाइन किए गए हैं जो 2030 तक अचीव करना है कॉप 27 के हिसाब से कितने गोल्स अचीव करने हैं बाय 2030 ओके okay, तो अभी स्टेट हुड डे का प्रोग्राम चल रहा है हाँ तो मे भी लोग अभी स्टूडेंट्स बिजी होंगे ठीक okay. बताइए जनाब क्या आंसर होगा इसका ए बी डी तो कितने गोल्स हैं सर थर्टी गोल्स हैं ठीक है ए बोला बी बोला डी गांधी जी ने बोला सी थर्टी गोल्स हैं बाकी इसकी पूरी डिटेलिंग हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो अभी ये करेंट अफेयर्स का पीडीएफ आपके पास है तो इसमें आप एक बार पढ़ लेना है ना हम लोगों ने एक एक गोल बहुत चीज़ें डिस्कस किए हैं कॉप ट्वेंटी सेवन से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए कॉप ट्वेंटी सेवन से रिलेटेड वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स आई एन नैनो सैटेलाइट इज ए कोलेबरेटिव मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विच वाज़ रिसेंटली लॉन्च थ्रू पी एस सी फिफ्टी फोर मिशन INS 2B एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी ठीक है थ्रो पी एस ये व्हीकल है जिससे लॉन्च की गई थी ठीक है तो ये मिशन किस किस कंट्री के बीच है इंडिया और किस कंट्री के बीच है आई एन एस बी हाँ जी सर करेक्ट आंसर क्या होगा आइनिस टू बी सेटेलाइट है भैया करेक्ट आंसर इज भूटान ये इंडिया और भूटान के बीच का मिशन है ठीक है इसमें दो चीजें जाएंगी टू पेलोड्स मतलब इसमें दो चीजें जाएंगी एक तो नैनो एम और एक जाएगा आपका डीजीपीटर ए पी आर एस डी जी पीटर ये आइन टू बी क्या है तो एक नैनो सेटेलाइट है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस किसको प्रोवाइड करेगी भूटान को प्रोवाइड करेगी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द टॉप टू कंट्रीज विद हाइएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट फाइलिंग wipo वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक रैंकिंग निकालती है वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2000 इंडिकेटर्स ठीक है तो अभी 2022 में इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा पेटेंट फाइलिंग कहाँ हुई है एक तो इंडिया में हुई है सबसे ज्यादा पेटेंट फाइलिंग दूसरी कंट्री कौन सी है वैसे ये मेरे ख्याल से आप थोड़ा बता सकते हो थोड़ा सा आइडिया लगा के बता सकते हो कि इंडिया के अलावा हाईएस्ट पेटेंट फाइलिंग कहाँ और हुई होगी हाँ जी गांधी जी बांग्लादेश या भूटान शॉर्ट हाँ बात तो सही है देखो आपकी आई एन टू बी में अगर आई एन इंडिया है तो बी बच रहा है तो बी से कुछ बांग्लादेश भूटान के एक्सपेक्टेड थी ठीक तो क्या जा, जा रहा आपका बिल्कुल सर इसमें क्या दिमाग लगाना है सर पेटेंट फाइलिंग में सर इंडिया के बाद अगर कोई होगा तो और कौन होगा सर चाइना ही होगा ठीक है तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर कौन रिलीज करता है वीपो रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सवाल ये है कि सर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यू का एक आ, ये स्पेशलाइज बॉडी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर मुझे ढूंढ के बताइए हाँ जी सर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडकुआटर सर जी किधर है पेटेंट फाइलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपने कोई डिवाइस बनाई है ना आपने कोई एक नई तरह की डिवाइस डिस्कवर की तो वो एक पेटेंट होता है उसको क्या कहेंगे पेटेंट कहेंगे उसको आपको एक जगह रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि वो डिवाइस कोई और ना बना पाए क्योंकि हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी कोई और ले जाके वो उस डिवाइस को बनाने लगे बेचने लगे फिर आपकी मेहनत तो सरबेकार हो गई तो आपकी मेहनत को आपने जो डिवाइस बनाई उसकी जो पूरी मकैनिज़म है उस डिवाइस को बनाने की जो पूरी मिकैनिज़म है उसको कहते हैं पेटेंट है ना उसको आपको क्या कराना पड़ता है फाइल कराना पड़ता है रजिस्टर कराना पड़ता है वीपो रजिस्टर करता है इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको कहते हैं पेटेंट फाइलिंग चिल्सा जी समझ में आया कि नहीं आया अरे भैया अभी तक एग्जैक्ट नहीं याद नहीं आ रहा है चलो मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है जेनेवा इज अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड। कैपिटल मत समझ लेना कई लोगों को लगता है जेनेवा इज कैपिटल कैपिटल स्विट्जरलैंड की जेनेवा नहीं है बर्न है ठीक है जेनेवा इज अ सिटी बिग सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड तो ड क्वार्टर है डब्लू एच ओ का भी याद करो यहीं था डब्ल्यू एच ओ और भी कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी हेडक्वार्टर जेनेवर स्विट्जरलैंड में ठीक है सर चलो जी आगे बढ़ते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट फिर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो गई हरिमाऊ शक्ति दो हजार बाईस हरिमाओ शक्ति 2022 इंडिया और किस कंट्री के बीच ये एक्सरसाइज हुई है क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो एट रिसेंटली ज्वाइंट ब्लीट पे एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति 2022 वाइज हैड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज बताइए सर लो इसका आंसर मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर इज मलेशिया ठीक है हरी माऊ शक्ति तो दो एक्सरसाइज तो याद हो गई कि नहीं हो गई गरुद शक्ति इंडोनेशिया के साथ ठीक है इसी तरह से हरी मऊ हरी मऊ किसके साथ है सर हरी मऊ है मलेशिया के साथ याद रखना कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है अभी बहुत टाइम से मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे नहीं पूछी गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछी नहीं जा सकती इंपॉर्टेंट होती है ना

हाँ जी सर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर जल्दी से आंसर का इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन नरगेसी

लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और पूरे मंथ का नवंबर का क्वेश्चन नंबर वन वन जीरो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसको इलेक्ट किया गया कॉम अंजू बॉबी जॉर्ज साइना नेहवाल या फिर पी टी ऊषा हाँ जी सर वेटिंग फॉर योर आंसर क्या बात है गामी जी ने आज मुझे लगता काफी सही जवाब दिए चौधरी कह रहे हैं डी पीटी उषा बाकी लोगों का क्या कहना है वेटिंग फॉर योर आंसर बताइए सर ठीक right, right. है तो एसोसिएशन किसको बनाया पीटी ऊषा जी को बनाया ठीक है? मल्टीपल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड द फोर्थ प्लेस फिनिशर इन दाइनटीन एटी फोर ओलंपिक्स फोर हंड्रेड मीटर हर्डल फाइनल पीटी ऊषा इज लेजेंडरी वीमेन प्लेयर ऑफ इंडिया ठीक है चलो जी तो ये थे सर 110 क्वेश्चंस आपके फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर नवंबर के बाद अब हम आ गए दिसंबर डिस्कस करेंगे बट इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टिल देयर इज़ ए प्रॉब्लम आप मेरे को लिंक नहीं मिल रहा है कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को ये नंबर है ट्रिपल नाइन ज़ीरो सेवन एट फोर सिक्स फोर टू इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ये मेरा पर्सनल नंबर है ठीक है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो इन केस देर इज़ अ प्रॉब्लम चलिए सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कुछ सीख कर जाएंगे आप क्लास में ठीक है कुछ सीखने को मिला अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स एज मच एज पॉसिबल मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट क्लास में टिल देन गुड हैव अ नाइस डे